राहुल और समीर दो अच्छे दोस्त थे। दोनों को रोमांच की कहानियाँ और डरावनी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने एक अजीब सी लड़की को देखा जो हमेशा अकेली रहती थी और गांव के किनारे पर स्थित एक पुराने बड़े और भयानक हवेली में जाती थी। उन्होंने उसके बारे में जानने का निर्णय लिया और उसका पीछा करने का फैसला किया। एक शाम जब लड़की ने उस हवेली की तरफ जाना शुरू किया, राहुल और समीर ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही लड़की हवेली में दाखिल हुई, दोनों दोस्तों ने चुपचाप अंदर जाने का फैसला किया। हवेली बहुत ही पुरानी और जर्जर थी, लेकिन अंदर अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि लड़की एक पुराने सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। वे भी चुपचाप उसके पीछे चलने लगे। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उन्होंने देखा कि कमरा खाली था। वे डर गए और समझ नहीं पाए कि लड़की कहाँ गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब दोनों फंसे हुए थे और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। राहुल और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वही लड़की उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं। लड़की ने धीमी और गूंजती आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। राहुल और समीर ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जम गए थे। तभी राहुल ने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और हनुमान चालीसा के प्रभाव से लड़की की भयानक हंसी बंद हो गई और उसकी आवाज दर्द में बदल गई। वह दर्द से चीखने लगी और धीरे धीरे उसकी छवि धुंधली होने लगी। कुछ ही पलों में वह भूतिया लड़की गायब हो गई और दरवाजा खुल गया। राहुल और समीर ने बिना समय बर्बाद किए हवेली से बाहर की ओर भागे। बाहर आकर उन्होंने राहत की सांस ली और भगवान हनुमान का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें भयानक स्थिति से बचाया। उन्होंने ठान लिया कि अब वे कभी किसी अजनबी का पीछा नहीं करेंगे और डरावनी जगहों से दूर रहेंगे। आज सज आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर, हाय सज आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर।